मानव अधिकार रक्षक संगठन एवं जक्कनपुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा के तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मीठापुर बस स्टैंड के पास कंबल और खाने का पैकेट वितरण किया गया। इस सेवा के समय रीता सिन्हा, अरविंद कुमार, पिंकी जी, अनिल सिंह, शालिनी बिहारी एवं समाज सेवी आनंद त्रिवेदी जी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। समाज सेवा में हम लोग जो भी हो सके हेल्प हम लोग लोगों को पहुंचा रहे हैं। साथ में हम लोग मानव अधिकार पे स्पेशली काम कर रहे हैं। किसी के साथ किसी का अधिकार हनन हो रहा है तो हम लोग से आता है सहायता मांगने। हम लोग अपना पूरा कोशिश करते प्रयास करते हैं कि उनका जो भी मसला है वो सॉल्व करवाया जाए। कहाँ से करती है ये हम लोग सर अभी टीम से ही कर रहे हैं। किसी तरह का हम लोग के पास फंड नहीं है। ये हम लोग टीम में ही जो भी अपना योगदान थोड़ा थोड़ा लोग कंट्रीब्यूशन लेकर और हेल्प करते हैं जितना हो सके लोगों का। अपना घर से ही करते हैं? हाँ हाँ हाँ। अपने को कहीं से आप तो इसका प्रयास किए कि नहीं सरकार की तरफ से? अभी नहीं सर, अभी तो कहीं से हम लोग प्रयास नहीं किए। अभी हम लोग अपने द्वारा ही जितना हो सके लोगों का मदद कर रहे हैं। पटना से ऐसा कितनी दिन से ये हम लोग काम हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। ये हम लोग रजिस्ट्रेशन हम लोग का सितम्बर में हुआ है, इसी साल हुआ 2020। वर्क हम लोग का पहले से चलता आ रहा है। हम पहले ह्यूमन राइट काउंसिल में रह चुके हैं 2 साल, तो वहाँ काम किए हुए हैं। उसके बाद हम खुद का अपना ह्यूमन राइट सेवियर प्रयास किए कि संस्था की तरफ से हमको कुछ फंड आया सरकार की तरफ से? अभी तो फिलहाल ऐसा, अभी क्योंकि पूरे तरह से संस्था को भी रेडी करने में भी थोड़ा टाइम है, तो हम चाह रहे हैं कि वो पहले अपने से सारा चीज़ पेपर वर्क रेडी हो जाए फिर गवर्नमेंट के पास जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी हम लोग का मीठापुर बस स्टैंड में ऑफिस है, गेट नंबर 2 के पास। और दीघा में भी ऑफिस हम लोग का हो गया, बिहार से बाहर भी अररिया में हो गया, हम लोग का मोतिहारी में हो गया, सभी जगह ऑफिस। वहाँ की टीम क्या अलग अलग टीम है? इसी में सब लोग जुड़ कर वर्क कर रहे हैं। वहाँ मोतिहारी का अलग टीम है, जुड़े हुए हम ही लोग से हैं। वर्क वहाँ यही चीज़ पे हो रहा है स्पेशली। और पूरे बिहार और हम लोग हर जगह हम लोग का फैला हुआ है टीम, जहाँ हो सके लोग हेल्प करते हैं दूसरे से। आगे इसमें यही है कि समाज को एक सोशल वर्क देकर हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी अगर हो सके तो अपने आसपास देखिए जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प कीजिए। क्या संस्था में? हम अध्यक्ष हुए संगठन के। गर्मी में जैसे हमें जरूरतमंद लोग पहले तो हमें पता करते हैं कि किस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें माता पिता इतनी कमजोर है जो बच्चों को पढ़ाने आप लोग के माध्यम से सारे लोग अधिकारी हैं उन लोग के माध्यम से मेरी आवाज़ उनके तक पहुँचे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंबल वितरण किया जिसके थाना प्रभारी वर्मा जी शामिल थे और उन लोगों के द्वारा ही जैसे जितने उच्च अधिकारी हैं उनके सपोर्ट से हम लोग जहाँ तक आगे बढ़ना चाहेंगे वो बिल्कुल करेंगे। और आगे सर्वे भी करते हैं कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, किसी तरह का भी जरूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।
पूरे बिहार में हर क्षेत्र में क्या क्या करते हैं, जहाँ भी हम लोग को जानकारी मिलती है कोशिश करते हैं कि हम लोग जाएँ और उन लोगों को मदद करें, हर तरीके से मदद करते हैं, जिनको खाना की ज़रूरत होती है, जिनको कपड़े की ज़रूरत होती है, जिनको मतलब किसी तरह की ज़रूरत होती है, हर तरीके से हम लोग मदद करते हैं और आगे भी हमेशा हम लोग अभी ठंड के मौसम में गर्म कपड़े की ज़रूरत है, जैसे कम्बल हो गया, चादर